जय श्री गणेश। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब वीडियो जिसका नाम है गर्ल्स टॉक। मेरी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी स्नेहा दीदी लेके आ गई है आप सबके लिए फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो। ये वीडियो फर्स्ट वीडियो की पार्ट टू है। फर्स्ट वीडियो में जैसा कि हमने बात किया था कि बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से किस गर्ल्स पर किस टाइप की ड्रेस सूट करती है, जो कि सर्चिंग लिस्ट में टॉप पर गई थी। आप सर्च करके भी देख सकते हैं कि बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से किस गर्ल्स पर किस टाइप की ड्रेस सूट करती है, और मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर उसे देख लीजिए। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर ये हायरिंग पर जाती है तो मैं बनाऊँगी आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, फेस कट और आपकी कलर के हिसाब से आप पर कौन सी एसेसरीज सूट करती हैं, ज्वेलरी सूट करती हैं। तो हायरिंग चल गई आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से, तो वीडियो भी आ गया है। वीडियो थोड़ा सा लेट आ गया है, बनाने में थोड़ा लेट हो गया नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार मैं कहना क्या चाहती हूँ। वैसे तो गहना किसी भी औरत की शान होती है। मार्केट में बहुत सारी गहना, बहुत सारी ज्वेलरीज अवेलेबल है, एसेसरीज भी है, ट्रेडिशनल मॉडर्न होममेड भी है, हेविस्ट भी है, सिंपल भी है, पर आपको अपने फेस कट, बॉडी स्ट्रक्चर और कलर तीनों को मिक्स करके अपनी ज्वेलरी सिलेक्शन करनी है। मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको ज्वेलरी सिलेक्शन कर देते हैं, पर उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, फीस लगता है। तो ऐसा नहीं कीजिए, आप मेरे चैनल को देखिए और उसी से आप समझ जाएंगे कि आपकी बेस्ट ज्वेलरी कौन सी है। तो बिना वीडियो को लेट किए लंबी बनाए हम टॉपिक पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट बात करेंगे फेस कट के अकॉर्डिंग। तो फेस कट के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट राउंड फेस कट के लिए बात करेंगे। राउंड फेस कट वालों को हमेशा गोल्ड लिंक वाली नेकलेस पहननी चाहिए और साथ में आपको लंबी इयरिंग्स नहीं पहननी है, आपको बाली पहननी है। आपको टप्स भी नहीं पहनना, आपको बाली पहननी है। और अगर ट्रेडिशनल के साथ जाएं तो इस तरह की आप इयरिंग्स या फिर नेकलेस पहन सकती हैं, ये आप पर बहुत सूट करेगा। फिर बात करेंगे ओवल शेप के लिए। ओवल शेप अगर आपका है तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि बहुत सारे ज्वेलरी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ओवल शेप ज़्यादातर लोगों के लिए होता है, तो चलिए ओवल शेप का भी बात कर लेते। तो ओवल शेप अगर आपका है ना, तो आप ऐसी इयरिंग्स पहनिए जो टप्स टाइप के ऊपर में लगे और फिर पतली सी इयरिंग्स आके नीचे में झुल जाएं, और फिर आपको मटर दाने वाली नेकलेस पहननी है, आप पर बहुत सूट करेगी। फिर स्क्वायर फेस कट के लिए, स्क्वायर फेस कट के लिए आपको थोड़ा सोच समझ ज्वेलरी पहनना चाहिए। बहुत कम ज्वेलरी आप पर सूट करती है। आप लोगों को लगता है कि आपका फेस कट थोड़ा हैवी है तो आप लोग को पूरी ज्वेलरी से खुद को भर देना है, पर ऐसा नहीं है। आपको पतली सी मंटिका यूज़ करना है, लंबी इयरिंग्स यूज़ करना है, और हो सके तो नेकलेस बिल्कुल यूज़ ना करें। नेकलेस आप पर बिल्कुल सूट नहीं करती है। बहुत कम नेकलेस टाइप होती है जो आप पर सूट करें। ट्रेडिशनल हो तो ही आप नेकलेस पहने, वरना फिर नेकलेस पहनने की जरूरत ना हो तो ना पहने। फिर बात करते हैं लॉन्ग फेस कट के लिए। अगर आपका फेस कट लॉन्ग है, लंबा है, तो भी आपको थोड़ा सोच समझ के इयरिंग्स पहनना चाहिए। आपको दाने दाने वाली इयरिंग्स पहननी चाहिए जो कि तले तले से बनी हो, और आपको अपने निक के हिसाब से इयरिंग्स पहननी चाहिए। निक लंबी है तो लंबी इयरिंग्स, छोटी है तो छोटी इयरिंग्स पहननी चाहिए। आप भी हो सके तो नेकलेस बिल्कुल ना पहने, ज़्यादा सूटेबल होगा। पर फिर भी अगर आप थोड़ी ट्रेडिशनल सेट जा रही हैं, आपको नेकलेस पहनना है, हैविस्ट लुक देना है, तो आप लॉकेट पहन सकती हैं, फिर ट्रायंगल टाइप की नेकलेस पहनिए, आप पर ज़्यादा सूट करेगा। फिर हम बात करते हैं कि अगर आपका फेस का कट हार्ट शेप में, मतलब आपका फेस कट गोल होकर थोड़ा सामने की ओर झुका हुआ है, तो आपका हार्ट शेप का फेस कट है। ये फेस कट बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही एट्रैक्टिव लुक देता है। इस पर बहुत अच्छे से आप ज्वेलरी सिलेक्शन कीजिए, बहुत ही प्यारी लगेंगी आप। तो चलिए बात करते हैं, आपको हमेशा लटकी हुई ज्वेलरी इयरिंग्स पहननी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। टप्स बिल्कुल ना सिलेक्ट करें, और हो सके तो आप ये नेकलेस भी रहने ही, दिस इज ज़्यादा बेटर होगा। सिर्फ इयरिंग्स पहनी है, लटकी हुई पहनी है, काफ़ी सूटेबल लगेंगे। फिर ट्रायंगल फेस कट के लिए, ट्रायंगल फेस कट को भी वही बात है कि आप भी थोड़ा सोच समझ के इयरिंग्स पहनिए और नेकलेस पहनिए। नेकलेस ज़रूर पहनिए आप, क्योंकि आपका फेस कट ना थोड़ा हैवीस्ट वाला लुक देता है, तो आपको नेकलेस ज़रूर पहनना है। और इस तरह की नेकलेस पहनना है जो बहुत ज़्यादा हैवी हो और गले में थोड़ी थोड़ी चिपकी हुई, ज़्यादा चिपकी हुई नहीं हो, ज़्यादा उभरी हुई ना हो। मॉडर्न हो तो आप स्कार्फ भी यूज़ कर सकते हैं, और सिंपल हो तो आप नेकलेस की जगह चैन या फिर लॉकेट भी यूज़ कर सकते हैं।
तो चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको हमेशा अपनी ज्वेलरी चूज करनी चाहिए। कुछ लोग हमेशा रॉन्ग सिलेक्शन कर लेते हैं। फर्स्ट बात करते हैं लॉन्ग नेक के लिए। अगर आपका नेक का साइज लॉन्ग है, लंबा है, तो आपको भारी नेकलेस यूज करना चाहिए, हैवीस्ट लुक देना चाहिए और उसको फुल कवरेज देना चाहिए। कॉलर वाली नेकलेस यूज करना चाहिए, लॉकेट रहने दीजिए, कॉलर वाली नेकलेस हमेशा यूज कीजिए। फिर अगर आपकी नेक छोटी है तो आपको ट्रायंगल टाइप के नेकलेस यूज़ करना चाहिए, नेकलेस ज़रूर यूज़ कीजिए। और कभी भी आप गले में पूरी चिपकी हुई कॉलर टाइप की नेकलेस ना पहनिए। कुछ आंटियाँ पहन लेती हैं, बहुत अजीब लुक देती हैं। प्लीज़ इस तरह की बेवकूफ़ी मत कीजिए। आपको हमेशा लंबी नेकलेस पहननी चाहिए। ट्रेडिशनल जा रही हैं तो आप चंदन हार वगैरह भी यूज़ कर सकती हैं। फिर मिडिल नेक हो तो आपको ट्रायंगल टाइप की पहनने चाहिए, कुछ भी पहन सकती हैं, बट फिर भी आपको कॉलर वाली नहीं पहननी, क्योंकि आपका गला लंबा है तो ही आपको कॉलर वाला नेकलेस पहनना है। तो फिर आप इस तरह से जो थोड़ी गोल हो, ट्रायंगल हो या फिर लॉकेट में जा रही हैं तो ट्रायंगल टाइप की लॉकेट पहन सकती हैं। फिर बात करेंगे कलर के हिसाब से। कलर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपकी इस ज्वेलरी के लिए, आपके एसेसरीज के लिए। अगर आपका कलर डल डार्क है तो आपको गोल्डन कलर की ज्वेलरीज पहननी चाहिए। यही रीज़न है कि इंडिया में गोल्डन ज्वेलरी सबसे ज़्यादा चलती है और अबॉडियंस में विदेश में इस तरह के डायमंड नेकलेस चलते हैं। तो आपका कलर अगर डल है, सांवला है, तो आप गोल्डन यूज़ कीजिए। और अगर आपका कलर फेयर है, लाइट है, ब्राइट है ज़्यादा, तो अपने हिसाब से आप डायमंड चूज़ कर लीजिए। डायमंड मतलब रियल लाइफ नहीं, डायमंड एसेसरीज बहुत सारे मार्केट में हैं, आप उसे यूज़ कर सकती हैं, आप पर बहुत ज़्यादा सूट करता है। इनफैक्ट आपके लिए ही बना है मैडम वो। फिर अगर बात करते हैं कि अगर मेरा चैनल आपके लिए 1% भी हेल्पफुल रहा हो ना, प्लीज़ फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, अगर ये हाई रैंक पर जाएगा, कि आपको अपने बॉडी स्ट्रक्चर, फेस कट और कलर के हिसाब से कौन सी सैंडल्स यूज़ करनी चाहिए या जूती यूज़ करनी चाहिए। तो प्लीज़ अगर फ्रेंड्स 1% भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ और यूट्यूब में करियर बनाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट मी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से मुझे मोटिवेट करती रहिए। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बी सेफ, टेक केयर।